नमस्कार। बीजेपी के दिग्गज नेता और हिंदुस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 66 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। 66 वर्षीय अरुण जेटली लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अरुण जेटली को भर्ती करवाया गया था। सांस लेने में तकलीफ के बाद अरुण जेटली को भर्ती करवाया गया था एम्स में। एम्स जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। अरुण जेटली ने मोदी सरकार में लंबे वक्त तक वित्त मंत्रालय को संभाला था। उनके कंधों पर लंबे समय तक वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी रहा था। लेकिन आज देश ने एक पूर्व वित्त मंत्री और एक सच्चे देशभक्त को खो दिया है। 66 साल की उम्र में सांस लेने में तकलीफ होने की बीमारी के कारण पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी ने पार्टी के एक दिग्गज नेता को खोया है और देश ने एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे नेता को खोया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके कार्यों के लिए, अच्छे और सराहनीय कदमों के लिए, प्रगतिशील बढ़ाए गए कदमों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मोदी सरकार के 1.0 कार्यकाल में, यानी पिछले साल 2014 से 2019 के बीच, जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए काफ़ी अथक प्रयास भी किए थे, और अरुण जेटली के अथक प्रयासों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार भी हुआ था। अरुण जेटली जो वित्त मंत्रालय को काफ़ी लंबे तक समय तक उन्होंने संभाला था। आइए अब जानते हैं कि जो देश के दिग्गज नेता हैं उन्होंने किस तरह से अरुण जेटली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बड़े बड़े नेताओं ने, आइए अब विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि हम सबके अभिन्न मित्र, जिन्होंने लंबे समय तक मिलजुल कर साथ काम किया था, उनका निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर यह कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता, अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं भी लखनऊ से सीधे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ पर जाऊँगा ताकि मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित।